प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर जर्मनी पहुंच गए हैं। बर्लिन के पास मिसबर्ग में पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और ग्लोबल महत्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने यहां एक जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, आतंकवाद से यूरोप बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा, हमारे मुताबिक आतंकवाद सबसे गंभीर चुनौती है जिसका मानवता सामना कर रही है। यूरोप को इस बुराई से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में एक प्रभावी वैश्विक प्रतिक्रिया विकसित करने में अवश्य ही एक अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। पीएम मोदी और मर्केल आज इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सुलेशन के तहत बातचीत करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पीएम आज रात स्पेन पहुंचेंगे। पिछले 3 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला स्पेन दौरा होगा। स्पेन के बाद 31 मई से 2 जून तक पीएम मोदी रूस में रहेंगे। वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। 2 जून को रूस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के बाद पीएम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में फ्रांस जाएंगे, जहां वो नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से चर्चा करेंगे। यूपीए सरकार के दौरान एयर इंडिया में हुए घोटाले की सीबीआई जांच होगी। सीबीआई ने एयर इंडिया और नागरिक विमानन मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 3 केस दर्ज किए हैं। आरोप है कि यूपीए सरकार ने 111 एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जिसमें विदेशी एयरक्राफ्ट निर्माताओं को 70,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। सरकार के इस फैसले की वजह से एयर इंडिया को बड़ा घाटा हुआ। इसके अलावा विमान लीज पर लेने में गड़बड़ी और निजी कंपनियों को फायदे वाले रूट देने की भी जाँच होगी। 2011 में संसद में पेश सीएजी और पीएसी की रिपोर्ट को इन जांचों का आधार बनाया गया है। सीबीआई ने एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के विलय की प्राथमिक जांच भी शुरू कर दी है। कश्मीर में मारे गए हिजबुल कमांडर सबजार भट्ट के जनाजे में हिजबुल का पूर्व कमांडर जाकिर मूसा और दर्जनों आतंकी भी शामिल हुए। कश्मीर के त्राल में सबजार के जनाजे में लोगों ने जाकिर मूसा को कंधे पर उठा रखा था। कई लोग उसे छूने की कोशिश कर रहे थे और मूसा के नाम के नारे भी लग रहे थे। मूसा के अलावा सबजार के जनाजे में कई और आतंकी भी शामिल हुए। भारतीय फौज ने सबजार भट्ट समेत 2 आतंकियों को 27 मई को मार गिराया था। सबजार से पहले मूसा हिजबुल का कमांडर था। वो कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग पर हिजबुल से अलग हो चुका है। आतंकी सबजार अहमद भट्ट के मारे जाने के बाद रियाज अहमद नायकू को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया जा सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिज्ब के अन्य 2 पुराने आतंकियों अल्ताफ काचरू और सद्दाम पडर के मुकाबले हिज्ब नायकू के हाथों में कमान सौंपने को ज्यादा तरजीह देगा। रियाज नायकू सिर्फ 29 साल का है और पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके के दुर्बुक का रहने वाला है। नायकू पर 12 लाख का इनाम है। मौजूदा एक्टिव आतंकियों में नायकू सबसे पुराना और सबसे पढ़ा लिखा आतंकी है। उसे कंप्यूटर, सोशल मीडिया और नई तकनीक की अच्छी जानकारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पशुओं की खरीद फरोख्त पर केंद्र सरकार के नए आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने बैन को राज्यों के अधिकारों पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है और वो कोर्ट में इसे चुनौती देंगी। We are neither accepting or we are not bound to abide by these 2 rules. ममता बनर्जी ने रमजान के महीने में इस तरह का फैसला लिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ किया है कि किसको क्या खाना है क्या नहीं, ये सरकार तय नहीं करेगी। बाबरी केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आज लखनऊ में विशेष सीबीआई कोर्ट के सामने पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को निर्देश दिया था कि आडवाणी, जोशी और उमा भारती के अलावा बाकी सभी आरोपियों पर बाबरी ढांचा गिराए जाने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई रोजाना कराने और 2 साल में सुनवाई खत्म करने का निर्देश दिया है। बिहार में तूफान और बिजली की तबाही के बाद बंगाल की खाड़ी में उठने वाले मोरा चक्रवात ने चिंता बढ़ा दी है। आशंका है कि अगले 12 घंटे ये चक्रवात भारत के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस दौरान करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस चक्रवात से भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। ये भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक है, जो किसानों और फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री रिटेलर के लिए मार्जिन कम किए जाने और ई पोर्टल पर दवाओं की बिक्री की डिटेल्स अपलोड करने के विरोध में आज देश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। लगभग 9 लाख से ज्यादा दवा कारोबारी अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। वैसे इस दौरान इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई असर नहीं होगा। बंद को बुलाने वाली दवा कारोबारियों की संस्था ने अस्पतालों के बाहर दुकानें खुली रहने का भरोसा दिया है। असम और अरुणाचल को जोड़ने वाले महापुल के बनने से चीन बौखला गया है।
चीन ने भारत को सतर्क रहने और संयम बरतने के लिए कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि चीन के साथ सीमा मुद्दे के अंतिम समाधान से पहले भारत इस मसले पर सचेत और संयमी रुख अपनाएगा, ताकि बॉर्डर वाले इलाकों में शांति, शांति की रक्षा और विवादों को संयुक्त रूप से नियंत्रित रखा जा सके। ट्रंप राज में पाकिस्तान के लिए बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। ट्रैवल बैन में नाम नहीं होने के बावजूद भी पाकिस्तानी नागरिकों को अमेरिकी वीजा में 40% की कमी आई है, जबकि भारतीयों के लिए जारी होने वाले वीजा में 28% की बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं।